हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास नाइन्थ का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज नंबर सिस्टम। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स आएंगे। क्लियर। इसके बाद में रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। रियल नंबर्स में क्या होता है, आपके रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन आ जाता है। और फिर उसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स कैसा होता है, ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अगर कोई रियल नंबर हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो हम उसे नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो टाइप के मिल जाएंगे। एक होता है आपका, सपोज करिए 1.34 या फिर 1.34 बार, और दूसरा आपका यहाँ पर √2 टाइप्स। ये आपके तीन पैटर्न यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे इनका नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, जिसमें हम उनके मल्टीप्लिकेशन, रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, रियल नंबर्स का डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये चारों ऑपरेशंस यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कॉम्बिनेशन भी देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, राइट। तो ये चारों ही ऑपरेशंस हम यहाँ पर स्टडी करेंगे रियल नंबर्स के लिए, और इनका कॉम्बिनेशन भी देखेंगे। फाइनली वी विल कम विद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स और पावर्स आपने पहले पढ़ा हुआ है क्लास 8 में। नाउ वी विल बी स्टडिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, वो भी आपने पहले पढ़ा हुआ है, बट अब हम थोड़ा सा हायर लेवल पर जा करके इन टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। सो द फर्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ नंबर्स, अ बेसिक रिविजन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स विच वी हैव स्टडीड सो फार। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमारा जो फर्स्ट टाइप था वो था यहाँ पर नेचुरल नंबर। सेकेंडली हमने पढ़े थे होल नंबर्स, देन इंटीजर्स। इन द करेंट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड द कॉम्बिनेशन दैट इज हैविंग ऑल दीज, दैट इज द रियल नंबर। रियल नंबर में सारे के सारे नंबर आ जाते हैं, रैशनल इरेशनल सब मिला के क्या बन जाते हैं आपके रियल नंबर्स, और इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले नेचुरल नंबर्स पे आते हैं। सो दीज आर द काउंटिंग नंबर्स, ये क्या हैं आपके काउंटिंग नंबर्स हैं। द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, राइट। दे स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड कंटिन्यूसली चले जाते हैं आगे तक। ठीक है, सिम्बॉल क्या होता है इसका, सो सिम्बॉल इज एन, सिम्बॉल इज एन, राइट। सेकेंड है हमारे होल नंबर्स, सो ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स और साथ साथ में 0 आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, होल नंबर बन जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, आप 0 से स्टार्ट होता है ये, ठीक है, और उसके बाद में टुवर्ड्स पॉजिटिव ऑन द एक्स एक्सिस चला जाता है। इंटीजर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव जाते हैं 0 से, और 0 से नेगेटिव भी जाते हैं, इधर पे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं ये, ऑन द राइट ऑफ द 0 पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑन द लेफ्ट ऑफ 0 दे आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। एंड एट 0, सो 0 क्या है हमारा यहाँ पर, 0 इज द रेफरेंस, 0 क्या है हमारा रेफरेंस है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ओके। नेक्स्ट आता है इसके बाद में रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपका क्या होता है, जिसमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आप इसे एक्सप्रेस कर सकें, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड योर क्यू विल नॉट बी इक्वल टू 0। मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर कभी भी 0 एक्सेप्टेड नहीं होता है, कभी भी डिनोमिनेटर, चाहे आपने फ्रैक्शंस पढ़े होंगे, चाहे आपने यहाँ रैशनल नंबर पढ़ा है, आगे आप और जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे उसमें कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स में आपके रूट वाले जितने भी नंबर्स आते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो आपका क्या होगा, वो नंबर जो है वो बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल √16, इसे हम लिख लेंगे √4² और ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का अगर नंबर है तो वो नंबर सीधे क्या होता है, रूट से बाहर आ जाता है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं किसमें, इरेशनल में। बट इसके अलावा जितने भी रूट वाले नंबर्स होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, वो सारे के सारे इरेशनल होंगे,
अगर कोई नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो भी क्या होगा आपका इरेशनल नंबर होगा। एंड पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, पाई भी क्या है हमारा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसको अगर हम समराइज करते हैं स्टूडेंट्स, तो मैं आपको समराइज वे में समझाता हूँ और इससे हमारा एक एग्जाम्पल क्वेश्चन और एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी समरी समझ लेते हैं एक बार फटाफट से। एक वेन डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो था हमारा होल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद जितने भी नेचुरल नंबर थे उन सबको हमने एक बड़ी कैटेगरी में डाल दिया, दैट वॉज होल नंबर। वो कैटेगरी कौन सी थी स्टूडेंट्स? होल नंबर की कैटेगरी थी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी आई हमारे पास में, दैट वॉज ऑफ, नेक्स्ट कैटेगरी किसकी आई हमारे पास में? इंटीजर्स, जिसे हमने जेड से रिप्रेजेंट किया था। अगर आपने वहां नोट्स में देखा होगा तो ये जेहलेन वर्ड से आया है, जेहलेन वर्ड से आया है एंड इसका मतलब होता है टू काउंट, राइट। इसके बाद में आपका आता है नेक्स्ट जो बिगर नंबर आता है वो आता है आपका रैशनल नंबर, जिसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और क्यू जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है क्वोशेंट को, एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए, ट्रू फॉल्स फिलअप के लिए, एआर के लिए, ये सब इंफॉर्मेशन आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो क्यू जो है रैशनल नंबर का सिम्बॉल है और ये जो क्यू है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स क्वोशेंट, राइट। उसके बाद में इससे बड़ा नंबर आता है आपका, सबसे बड़ा जो नंबर आता है वो आता है आपका रियल नंबर्स, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। एंड द रियल नंबर ऑल्सो कंटेन्स रैशनल नंबर्स एज वेल एज एक और कैटेगरी यहाँ पर ये इंक्लूड करता है, वो होती है इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी। वो कैटेगरी कौन सी होती है? इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी होती है, क्लियर है। अब इसके बाद में आपको क्वेश्चन आता है, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऑल और सम के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये ऑल और सम का स्टेटमेंट समझ लेते हैं हम क्या होता है। अगर मैं ये कहता हूँ ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो मेरा स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, मेरा स्टेटमेंट ट्रू होगा। अगर मैं कहता हूँ ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, द स्टेटमेंट विल बी ट्रू अगेन। इफ आई से ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर्स, देन ऑल्सो माई स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर हुआ? तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि जितने भी अंदर हैं, होल नंबर के लिए भी देखें तो सारे के सारे होल नंबर्स क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, सारे होल नंबर्स रैशनल नंबर्स होंगे एंड सारे होल नंबर्स रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ से हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर मैं इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं अंदर से बाहर जाता हूँ, अंदर से बाहर जाता हूँ, ठीक है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड अगर मैं जाता हूं तो सारे ऑल के स्टेटमेंट क्या होंगे? ट्रू होंगे। ठीक है, सारे ऑल के स्टेटमेंट, ठीक है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल विल बी ट्रू। सारे के सारे क्या होंगे? ट्रू होंगे। अगर मैं कहूंगा ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर्स, अंदर से बाहर जा रहा हूं मैं, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर्स, ट्रू हो जाएगा। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, स्टेटमेंट विल बी ट्रू। यहां तक समझ में आता है? सम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, समझिएगा, सम जो होता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, अगर बाहर से अंदर जाएंगे तो द पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ऑफ सम विल बी ट्रू, राइट। अब अगर मैं बाहर से अंदर जाता हूं, फॉर एग्जाम्पल सम रियल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा, क्योंकि सारे के सारे रियल नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं है। तो अगर मैं बाहर से अंदर जाता हूं तो केवल सम की कंडीशन यहां पे फॉलो करेगी इस कंडीशन में, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है, ओ फॉर आउटसाइड, आई फॉर इनसाइड। फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो आपका ऑल का स्टेटमेंट है,
ऑल स्टेटमेंट्स, ऑल स्टेटमेंट्स का मतलब है वो स्टेटमेंट जिसमें ऑल लगा होगा, ठीक है, और कैसे होने चाहिए, ऑल के पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होने चाहिए, ऑल के पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होने चाहिए, तो ऑल पॉजिटिव, ऑल और साथ में क्या होने चाहिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, तो ये क्या हो जाएंगे, विल बी फॉल्स, ऑल पॉजिटिव स्टेटमेंट्स विल बी फॉल्स, ठीक है। अब अगर इसमें किसी को डाउट रहता है तो आप मुझसे एक बार फिर से पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट्स में। अगर आपको आउटसाइड से इनसाइड जाना है, ठीक है, बाहर किसी सर्कल में हैं आप और वहाँ से आप अंदर जाना चाह रहे हो, तो ऑल के पॉजिटिव स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगे, फॉल्स। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट आपको दिया, चेक वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, और मैंने स्टेटमेंट दिया ऑल रैशनल नंबर्स आर होल नंबर्स, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आर है, मतलब यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा हूँ और कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, बाहर से अंदर जा रहा हूँ, तो इस कंडीशन में मेरा जो स्टेटमेंट होगा वो कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं दूसरा पॉइंट लिखूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड सम प्लस पॉजिटिव, ठीक है, सम के जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पर फॉल्स हो जाएंगे, सम प्लस पॉजिटिव स्टेटमेंट्स विल बी फॉल्स, वो क्या हो जाएंगे हमारे, फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग नोटिस कर लीजिएगा, इस पे बेस्ड आपको अभी एग्जांपल्स में और एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है हमारी 1.1 उसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, और अगर आपको उसमें कोई भी चीज़ नहीं बनती है तो आप इसको थोड़ा सा एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको डेफिनेटली वहाँ पर ट्रू फॉल्स बन जाएंगे। सो द फर्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ नंबर्स, अ बेसिक रिविजन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स विच वी हैव स्टडीड सो फार, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमारा जो फर्स्ट टाइप था वो था यहाँ पर नेचुरल नंबर, सेकेंडली हमने पढ़े थे होल नंबर्स, देन इंटीजर्स, इन द करेंट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड द कॉम्बिनेशन दैट इज हैविंग ऑल दीज दैट इज द रियल नंबर। रियल नंबर में सारे के सारे नंबर आ जाते हैं, रैशनल इरेशनल सब मिला के क्या बन जाते हैं आपके, रियल नंबर्स, और इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले नेचुरल नंबर्स पे आते हैं, सो दीज आर द काउंटिंग नंबर्स, ये क्या हैं आपके, काउंटिंग नंबर्स हैं, द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, राइट, दे स्टार्ट फ्रॉम वन एंड कंटिन्यूसली चले जाते हैं आगे तक, ठीक है। सिंबॉल क्या होता है इसका, सो सिंबॉल इज एन, सिंबॉल इज एन, राइट। सेकेंड है हमारे होल नंबर्स, सो ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स और साथ साथ में ज़ीरो आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, होल नंबर बन जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए आप ज़ीरो से स्टार्ट होता है ये, ठीक है, और उसके बाद में टुवर्ड्स पॉजिटिव ऑन द एक्स एक्सिस चला जाता है। इंटीजर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव जाते हैं ज़ीरो से और ज़ीरो से नेगेटिव भी जाते हैं, इधर पे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं ये, ऑन द राइट ऑफ द ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑन द लेफ्ट ऑफ ज़ीरो दे आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स, राइट, एंड एट ज़ीरो, सो ज़ीरो क्या है हमारा यहाँ पर, ज़ीरो इज़ द रेफरेंस, ज़ीरो क्या है हमारा, रेफरेंस है, ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ओके। नेक्स्ट आता है इसके बाद में रैशनल नंबर, रैशनल नंबर आपको क्या होता है, जिसमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आप इसे एक्सप्रेस कर सकें, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड योर क्यू विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो एक्सेप्टेड नहीं होता है, कभी भी डिनोमिनेटर, चाहे आपने फ्रैक्शंस पढ़े होंगे, चाहे आपने यहाँ रैशनल नंबर पढ़ा है, आगे आप और जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे उसमें कभी भी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स में आपके रूट वाले जितने भी नंबर्स आते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए, अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो आपका क्या होगा, वो नंबर जो है वो बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रूट 16, इसे हम लिख लेंगे अंडर रूट 4 स्क्वायर और ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का अगर नंबर है तो वो नंबर सीधे क्या होता है, रूट से बाहर आ जाता है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं किसमें, इरेशनल में। बट इसके अलावा जितने भी रूट वाले नंबर्स होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे वो सारे के सारे इरेशनल होंगे,
अगर कोई नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो भी क्या होगा आपका इरेशनल नंबर होगा। एंड पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, पाई भी क्या है हमारा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसको अगर हम समराइज करते हैं स्टूडेंट्स, तो मैं आपको समराइज वे में समझाता हूँ और इससे हमारा एक एग्जाम्पल क्वेश्चन और एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी समरी समझ लेते हैं एक बार फटाफट से। एक वेन डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो था हमारा होल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद जितने भी नेचुरल नंबर थे उन सबको हमने एक बड़ी कैटेगरी में डाल दिया, दैट वॉज होल नंबर। वो कैटेगरी कौन सी थी स्टूडेंट्स? होल नंबर की कैटेगरी थी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी आई हमारे पास में, दैट वॉज ऑफ, नेक्स्ट कैटेगरी किसकी आई हमारे पास में? इंटीजर्स, जिसे हमने जेड से रिप्रेजेंट किया था। अगर आपने वहां नोट्स में देखा होगा तो ये जेहलेन वर्ड से आया है, जेहलेन वर्ड से आया है, एंड इसका मतलब होता है टू काउंट, राइट। इसके बाद में आपका आता है नेक्स्ट जो बिगर नंबर आता है वो आता है आपका रैशनल नंबर, जिसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्यू जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कोशेंट को, एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए, ट्रू फॉल्स फिलअप के लिए, एआर के लिए, ये सब इंफॉर्मेशन आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो क्यू जो है रैशनल नंबर का सिंबल है, और ये जो क्यू है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स कोशेंट, राइट। उसके बाद में इससे बड़ा नंबर आता है आपका, सबसे बड़ा जो नंबर आता है वो आता है आपका रियल नंबर्स, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, एंड द रियल नंबर ऑल्सो कंटेन्स रैशनल नंबर्स एज वेल एज एक और कैटेगरी यहाँ पर ये इंक्लूड करता है, वो होती है इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी। वो कैटेगरी कौन सी होती है? इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी होती है, क्लियर है। अब इसके बाद में आपको क्वेश्चन आता है, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऑल और सम के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये ऑल और सम का स्टेटमेंट समझ लेते हैं हम क्या होता है। अगर मैं ये कहता हूँ ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो मेरा स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, मेरा स्टेटमेंट ट्रू होगा। अगर मैं कहता हूँ ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, द स्टेटमेंट विल बी ट्रू अगेन। इफ आई से ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर्स, देन ऑल्सो माई स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर हुआ? तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि जितने भी अंदर हैं, होल नंबर के लिए भी देखें तो सारे के सारे होल नंबर्स क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, सारे होल नंबर्स रैशनल नंबर्स होंगे, एंड सारे होल नंबर्स रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहां से हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर मैं इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं अंदर से बाहर जाता हूं, अंदर से बाहर जाता हूं, ठीक है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड अगर मैं जाता हूं, तो सारे ऑल के स्टेटमेंट क्या होंगे? ट्रू होंगे। ठीक है, सारे ऑल के स्टेटमेंट, ठीक है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल विल बी ट्रू। सारे के सारे क्या होंगे? ट्रू होंगे। अगर मैं कहूंगा ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर्स, अंदर से बाहर जा रहा हूं मैं, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर्स, ट्रू हो जाएगा। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, स्टेटमेंट विल बी ट्रू। यहां तक समझ में आता है? सम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, समझिएगा, सम जो होता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, अगर बाहर से अंदर जाएंगे तो द पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ऑफ सम विल बी ट्रू, राइट। अब अगर मैं बाहर से अंदर जाता हूं, फॉर एग्जाम्पल सम रियल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा, क्योंकि सारे के सारे रियल नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं है। तो अगर मैं बाहर से अंदर जाता हूं तो केवल सम की कंडीशन यहां पे फॉलो करेगी इस कंडीशन में, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है, ओ फॉर आउटसाइड, आई फॉर इनसाइड, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड अगर मैं बात करूं, तो यहां पर जो आपका ऑल का स्टेटमेंट है,
ऑल स्टेटमेंट्स, ऑल स्टेटमेंट्स का मतलब है वो स्टेटमेंट जिसमें ऑल लगा होगा, ठीक है, और कैसे होने चाहिए, ऑल के पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होने चाहिए, ऑल के पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होने चाहिए, तो ऑल पॉजिटिव, ऑल और साथ में क्या होने चाहिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, तो ये क्या हो जाएंगे, विल बी फॉल्स, ऑल पॉजिटिव स्टेटमेंट्स विल बी फॉल्स, ठीक है। अब अगर इसमें किसी को डाउट रहता है तो आप मुझसे एक बार फिर से पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट्स में। अगर आपको आउटसाइड से इनसाइड जाना है, ठीक है, बाहर किसी सर्कल में हैं आप और वहां से आप अंदर जाना चाह रहे हो, तो ऑल के पॉजिटिव स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगे, फॉल्स। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट आपको दिया, चेक वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, और मैंने स्टेटमेंट दिया ऑल रैशनल नंबर्स आर होल नंबर्स, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आर है, मतलब यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा हूँ, और कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, बाहर से अंदर जा रहा हूँ, तो इस कंडीशन में मेरा जो स्टेटमेंट होगा वो कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं दूसरा पॉइंट लिखूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड सम प्लस पॉजिटिव, ठीक है, सम के जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पर फॉल्स हो जाएंगे, सम प्लस पॉजिटिव स्टेटमेंट्स विल बी फॉल्स, वो क्या हो जाएंगे, हमारे फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग नोटिस कर लीजिएगा, इस पे बेस्ड आपको अभी एग्जांपल्स में और एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है हमारी 1.1 उसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, और अगर आपको उसमें कोई भी चीज़ नहीं बनती है तो आप इसको थोड़ा सा एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको डेफिनेटली वहाँ पर ट्रू फॉल्स बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अभी जो हमने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन देखेंगे। एग्जाम्पल वन, इसमें हमारे पास में तीन ट्रू फॉल्स हैं, और एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास में तीन ट्रू फॉल्स हैं, तो सबको हम एक साथ कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स एंड वी हैव टू गिव रीज़न फॉर आर आंसर्स, अपने आंसर्स के लिए हमें क्या करना है, रीज़न भी देना है। सो क्वेश्चन है हमारे पास, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास में एवरी होल नंबर, एवरी को हम किससे रिलेट करेंगे, हमारे ऑल वाले स्टेटमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखिए हम थोड़ा सा याद करें, तो अंदर था हमारे पास में नेचुरल नंबर और इसके बाहर में हमारे पास में था होल नंबर, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, एवरी होल नंबर इज़ नेचुरल नंबर, मतलब हम बाहर से अंदर जा रहे हैं, और बाहर से अगर हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ऑल का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है, फॉल्स होने वाला है। रीज़न क्या लिखना है भाई, रीज़न में हम यही लिखने वाले हैं, बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट नॉट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, और वी कैन राइट नॉट वाइस वर्सा, ठीक है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, रिवर्स इज नॉट ट्रू, क्लियर है। सेकेंड है, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। अब मैं सिर्फ वही सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ जो हमें रिक्वायर्ड है। इंटीजर जो था वो हमारा जेड से था, जेड फॉर ज़ेलिन, एंड जो हमारा यहाँ पर क्या बोल रहा है, रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे, अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, एंड सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, अब देखिए यहाँ पर अब रिवर्स स्टेटमेंट आ गया, यहाँ पर इंटीजर्स अपनी जगह फिक्स रहेंगे, रैशनल नंबर्स यहाँ, लेकिन हम बाहर से अंदर जा रहे हैं तो हमारा स्टेटमेंट क्या होने वाला है, फॉल्स होने वाला है। रीज़न में हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन इसका जो रिवर्स है वो ट्रू नहीं होगा, रिवर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। यहाँ तक किसी को अगर कोई भी डाउट आता है, देखिए आप सीधे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, जो भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे या सेपरेट डाउट वीडियोस बना देंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जहाँ पे हम आपके डाउट्स पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब याद आते हैं एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन है हमारे पास में, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास में एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर क्या होना चाहिए स्टेटमेंट, ये अंदर से बाहर, दैट इज ट्रू स्टेटमेंट, एंड सिंपली वी विल राइट द सेम थिंग, ऑल नेचुरल नंबर्स आर
होल नंबर्स, ठीक है। सेकेंड है इसके बाद एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर आप चेक करेंगे यहाँ पे, तो होल नंबर जो होते हैं वो अंदर आते हैं, इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे बाहर आते हैं, और बाहर से अंदर जा रहे हैं तो पॉजिटिव स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पर होता एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाता, ट्रू हो जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट क्या था, नेगेटिव स्टेटमेंट था, ठीक है। तो बट इन दिस कंडीशन इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड हम अंदर से बाहर की तरफ ना जा करके बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। देखिए मैंने आपको एक ट्रिक दिया हुआ है यहाँ पर कैसे आप ट्रू फॉल्स यहाँ पर अपना कनेक्ट कर सकते हैं। सो लास्ट इज एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो यहाँ पर देखिए होल नंबर कहाँ पर होता है, अंदर होता है, और रैशनल नंबर हमारा जो होता है वो बाहर होता है। तो यहाँ पर आपका फिर से एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो स्टेटमेंट क्या होने वाला है, फॉल्स स्टेटमेंट होने वाला है। रीजन लिख देंगे, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। दो नंबर्स दिए हुए हैं और उसके बीच में अगर हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है तो उसमें हमारे पास में क्या क्या कंडीशन आती है। पहला पैटर्न आता है क्वेश्चन का जिसमें हमें फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स आर एंड एस, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दिखता है। अगर वहाँ पर अ लिखा हुआ है इट मीन्स दैट वी हैव टू फाइंड ओनली वन रैशनल नंबर, वी हैव टू फाइंड ओनली वन रैशनल नंबर बिटवीन द टू नंबर्स आर एंड एस, ठीक है। सेकेंड पैटर्न आता है यहाँ पर फाइंडिंग अ रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स आर एंड एस, एंड यहाँ पर हमें एक से ज़्यादा रैशनल नंबर निकालने के लिए बोलेंगे, ठीक है। इसमें दो कंडीशन, दो केसेस बनते हैं। पहला केस बनता है जहाँ पर डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है, और दूसरा केस बनता है जहाँ डिनोमिनेटर क्या रहता है, हमारा डिफरेंट रहता है। तो हम एक एक करके इन सभी कंडीशंस को डिस्कस करेंगे और इन पे बेस्ड एक एक एग्जांपल क्वेश्चन करेंगे, एंड उसके बाद हम फिर आगे एनसीईआरटी एग्जांपल्स और एनसीईआरटी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स आर एंड एस, ठीक है। तो दो नंबर्स हैं हमारे पास आर और एस, और उसके बीच में अगर हमें एक नंबर निकालना है, एक रैशनल नंबर निकालना है, तो हम यहाँ पर एवरेज मेथड का यूज़ करते हैं। किस मेथड का यूज़ करते हैं, एवरेज मेथड का यूज़ करते हैं। और एवरेज मेथड आप एवरेज पहले से ही जानते हैं, एवरेज क्या होता है, एवरेज के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। एवरेज के लिए हमने क्या पढ़ा था, मीन बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अगर आप पिछले साल में आपने पढ़ा होगा, एवरेज को हम मीन भी बोलते हैं। और मीन क्या होता है या एवरेज क्या होता है, तो हमने पढ़ा था इसके लिए फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए रिलेट करके पढ़ेंगे तो हमेशा आपको हर सब्जेक्ट जो है वो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यही कंडीशन है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में देखिए ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज़ क्या क्या हैं, आर और एस वैल्यूज़ मान लें ऑब्जर्वेशन की हमारे, तो यहाँ से हमारा एवरेज क्या आ जाएगा, आर प्लस एस, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास में, टू। तो हमारा यहाँ पर जो थर्ड नंबर आएगा जो इन दोनों के बीच में होगा, रैशनल नंबर बिटवीन, ये बी अपॉन डब्ल्यू या बी ऑब्लिक डब्ल्यू जो है ये मेरे बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ मैं इस चीज़ को, ठीक है। तो ये बिटवीन है, बिटवीन आर एंड एस, तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा बन जाता है आर प्लस एस अपॉन टू, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपसे बोला कि फाइंडिंग अ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर निकालने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर मुझे ग्रेटर देन वन रैशनल नंबर निकालना हो, इफ़ आई हैव टू फाइंड टू और थ्री और फोर और फाइव रैशनल नंबर्स, तो क्या मैं इस मेथड को यूज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम बिल्कुल इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, दिस मेथड कैन बी यूज टू फाइंड मोर देन वन रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। सिंपल सा मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए दो नंबर्स थे हमारे पास में, R एंड S, ये R था और ये मेरा S था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इसके बीच में मिड में एक नंबर निकाला R प्लस एस अपॉन टू, और इस R प्लस एस अपॉन टू को मैंने क्या बोल दिया, सपोज करिए मैंने इसको अभी के लिए बोल दिया C, ठीक है। अब ये आ गया मेरा अरैशनल नंबर बिटवीन आर एंड एस, बट उसके बाद मुझे ये बोला गया दैट आई हैव टू फाइंड वन मोर नंबर बिटवीन आर एंड एस, राइट, और लेट्स से वी हैव टू फाइंड टू मोर नंबर्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, सी
अब हमारी जो पूरी की पूरी जो अवेलेबल नंबर लाइन थी उसमें हमारे पास में दो पार्ट हो गए, तो हम यहाँ पर फिर से एवरेज मेथड लगा देंगे। अभी मैंने इसको सी बोल दिया है, तो अगर मैं अब फिर से मिड देखूंगा तो ये हो जाएगा आर प्लस सी अपॉन टू। क्लियर हो रहा है? ठीक है, इसका एवरेज क्या हो जाएगा? आर प्लस सी अपॉन टू हो जाएगा। और वही चीज अगर मैं इस वाले हाफ में लगाता हूं तो ये हो जाएगा मेरा फिर से मिड में आएगा, दैट विल बी सी प्लस एस अपॉन टू। और ये फिर से मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको बोल दिया डी और इसको मैंने बोल दिया अब ई बोल दिया। ठीक है, तो अब आप देखिए मैंने आर और एस के बीच में कितने रैशनल नंबर्स निकाल लिए, टोटल तीन रैशनल नंबर्स निकाल लिए हैं। लेकिन बस एक ड्रॉबैक है इस मेथड का, एक बार में ये मेथड आपको एक ही रैशनल नंबर निकाल के देगी। तो अगर मुझे कहीं पे 5, 10 ऐसे रैशनल नंबर्स निकालने रहे तो ये जो मेथड है वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए आगे आप यहाँ पर आर प्लस डी अपॉन टू भी निकाल सकते हैं, आर प्लस डी अपॉन टू भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप जा कर के क्या निकाल सकते हैं, डी प्लस सी अपॉन टू भी निकाल सकते हैं, डी प्लस सी अपॉन टू भी निकाल सकते हैं। सेम यहाँ से आप आगे जा कर के क्या निकाल सकते हैं, सी प्लस ई अपॉन टू निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आगे जा कर के आप ई प्लस एस अपॉन टू भी निकाल सकते हैं। और ये सारे के सारे क्या होंगे, आपके रैशनल नंबर्स होंगे बिटवीन आर एंड एस। ठीक है, तो ये वाली मेथड जो है आपकी एवरेज मेथड, इससे आप कितने भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ड्रॉबैक क्या है, ये एक बार में आपको एक रैशनल नंबर देगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब सिंपल इस पे बेस्ड अगर मैं क्वेश्चन देखूंगा तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा फाइंड अ रैशनल नंबर। पहले आप इसको एक बार देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन विल बी, फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन विल बी फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना, बिकॉज एनसीईआरटी ने आपको ये एवरेज मेथड और ये सब नाम नहीं दिया है। तो हम सीधे स्टार्ट करेंगे कहाँ से, हम इसे सीधे स्टार्ट करेंगे, अप्रोच हमारी स्टार्ट होगी यहाँ से। ठीक है, गिवन नंबर्स कौन कौन से हमारे, 2 एंड 3। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, सपोज करिए अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, 2 एंड 3 के बीच में हमें एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एक तरीके से, कॉन्सेप्ट व्हेन अप्लाइड इन अ क्वेश्चन बिकम्स अ फॉर्मूला। तो यहां पर आ गया रैशनल नंबर बिटवीन R एंड S इज इक्वल टू R प्लस एस अपॉन टू। ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें हम अप्लाई कर देंगे हमारा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन का हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो क्या होगा हमारा नंबर, इट इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। ठीक है, इज इक्वल टू R की जगह पे 2, S की जगह पे 3, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 अपॉन 2, एंड द आंसर विल बी 5 अपॉन 2। सो दिस इज अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा, रैशनल नंबर का मैंने आपको डेफिनेशन नहीं दिया, बट मैंने वर्बली बता दिया था, यहाँ पर मैं आपको लिखवा भी देता हूँ क्योंकि ये इस साल में इम्पॉर्टेंट है। रैशनल नंबर, ठीक है, सिंबल होता है इसका क्यू, वेयर क्यू स्टैंड्स फॉर कोशेंट, राइट? डेफिनेशन है अ नंबर ऑफ द फॉर्म P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0 is called a rational number. इसे हम क्या कहते हैं, एक rational number कहते हैं। इस definition को याद कर लीजिएगा, इसमें पूछ लेता है कि what is the possible value of Q? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, Q can be any value except 0. And what are P and Q? So P and Q are integers. P और Q दोनों ही क्या होंगे, हमारे integers होंगे। अगर यहाँ पे integers बोल रहा है तो they can be positive integer, negative integer और 0 as well, except Q cannot be 0. Clear है students यहाँ तक का? Now the next question, that is the second part of the concept. Finding more than one rational number between two given numbers, provided उनका denominator कैसा रहेगा, same रहेगा। ठीक है, तो example लेंगे, यहाँ पर second example है NCERT का, that is find 5 rational number between 1 and 2। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल आता है कि same denominator बोला था और यहाँ तो denominator जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो देखिए भाई, अदृश्य शक्तियाँ हैं, है ना, भगवान जो होते हैं वो हर जगह present होते हैं,
जैसे ही आपको ज़रूरत पड़े आप उनको याद कीजिए और वो आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब 1 दिया हुआ था तो उसके भी डिनोमिनेटर में क्या था, 1 था, और जब 2 दिया हुआ था तो उसके भी डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं था तो क्या था, 1 था। ठीक है, 0 क्यों नहीं हो सकता, तो आंसर इज़ बिकॉज डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए वहाँ पर क्या आया, 1 आया। क्लियर है? सो इफ देयर इज़ नो डिनोमिनेटर इन एनी नंबर, तो हम वहाँ पर कंसिडर करते हैं कि वहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है। तो अब हमारे जो दो नंबर्स हैं बेसिकली वो कौन से हो गए हैं, 1/1 एंड द अदर नंबर इज 2/1, और इनके बीच में हमें क्या निकालना है, हमें इनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसमें बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, आप क्या करिए, वी कैन सिंपली स्टार्ट विद मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1/10/10। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम 10, ठीक है, या फिर 10 की पावर्स, 10 की पावर्स मतलब क्या होता है, 10 की पावर्स का मतलब होता है 10, 100, 1000, 10,000, ओके, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम 10 की पावर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, नाउ कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। तो अगर दो नंबर्स हैं हमारे पास में, सपोज करिए 1 है और 2 है, इनका जो अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ, इन दो नंबर्स का डिफरेंस जो है, डिफरेंस कितना आ रहा है इनका, इनका डिफरेंस आ रहा है 1, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 1 आ रहा है। अब अगर मैं इस दोनों नंबर्स को 10/10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं इन दोनों नंबर्स को 10/10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, या फिर मैं इन दोनों नंबर्स को 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, या फिर मैं इन दोनों नंबर्स को 1000/1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, या 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ रैशनल नंबर ओबटेंड मुझे कितने मिलने वाले हैं, तो इस कंडीशन में मुझे हमेशा एक कम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, इससे एक कम मिलेगा, दैट इज़ यहाँ पर कितने मिलेंगे, 9। यहाँ पर 100 हो रहा है, -1 कितने मिलेंगे, 99। यहाँ पर 1000 हो रहा है, उससे एक कम मिलेगा, दैट विल बी 999 रैशनल नंबर्स मैं यहाँ पर फाइंड कर सकता हूँ। कब, जब दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना था, 1 था। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिलेगा, उससे एक कम 9, 100 से करेंगे तो उससे एक कम 99, 1000 से करेंगे तो उससे एक कम 999। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं इसको 555 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, इफ़ आई मल्टीप्लाई द नंबर विद 555, 555 है ना, तो ये इसके बाद मुझे यहाँ पर कितने रैशनल नंबर्स मिलने वाले हैं इन दोनों के बीच में, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है बेसिकली। दूसरा चीज़ समझते हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर होता 1 और 3, अगर मेरे पास दो नंबर होते 1 और 3, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, अब इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास में, वो आ रहा है 2 का। सो अगर मैं यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता, ठीक है, तो उस कंडीशन में मुझे कितने रैशनल नंबर मिलते, नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स कितने मिलते इनके बीच में, यहाँ पर मिलते मुझे 20-1 19। अगर मैं यहाँ पर 100 से करता तो 100 200-1 दैट विल बी 199। 1000 से करता तो उस कंडीशन में मुझे मिलता -1 दैट इज़ 1999। इतने रैशनल नंबर्स मुझे इन दोनों के बीच में ओबटेन होते। तो ये हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, अब इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1/10/10, तो करके दिखाना है, अपॉन में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1, 10/10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड, ओके। अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड लिख रहे हैं तो यहाँ पे 10/10 लिखने का नीड नहीं है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, केवल 10 लिखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई लिखिए, एंड डिवाइड वाला पार्ट ये मत लिखिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10/10 आ जाएगा। ये कितना हो रहा है हमारा, 10/10 हो रहा है। सेम अगेन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2/10, सो दिस विल बी 2/1 × 10/10, दैट विल बी 20/10। ठीक है, अब आप देखिए 10 से 20 आपको 5 निकालने हैं, पर हम यहाँ पर जितने पॉसिबल है वो सारे लिख के चेक करेंगे कि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो देयरफोर नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हम यहाँ पर 1 और 2 लिखें या फिर 10/10 और 20/10 लिखें।
हमारा यहाँ पर आंसर होता है जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है हम उसी का आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि फाइंड फाइव रैशनल नंबर बिटवीन वन एंड टू, सो हमारे जो इनिशियल नंबर्स थे हमेशा हमको उनको लिखना है। तो बिटवीन वन एंड टू आर कौन कौन से होंगे, दैट विल बी 11/10 एज पर दिस, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10 एंड द लास्ट वन विल बी 19/10। तो कितने मिले हमको यहाँ पर काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। हाउ मेनी रैशनल नंबर्स वी हैव ऑब्टेन्ड, वी हैव ऑब्टेन्ड 9 रैशनल नंबर्स। क्लियर हो रहा है ये कॉन्सेप्ट आपको? ठीक है, तो अब हमें कितने चाहिए, देखिए अब क्वेश्चन ने हमसे सिर्फ 5 पूछे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी रैंडमली इनके बीच में 5 आप रैशनल नंबर्स ले सकते हैं जो आपको पसंद आए। ठीक है, ये हो गए आपके 5 रैशनल नंबर्स। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, तो इस पर बेस्ड एक्सरसाइज में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, मैं अभी लास्ट में आपको बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन इस पर बेस्ड है, वो सारा कुछ होमवर्क में दे दूंगा और पॉसिबल होगा तो मैं आपको अभी सॉल्व भी करवा दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आएंगे हम लोग। ठीक है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसके बाद, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विल बी व्हेन द डिनोमिनेटर विल बी डिफरेंट। नाउ द सेकेंड कॉन्सेप्ट, सेकेंड पार्ट, ठीक है, सेकेंड कॉन्सेप्ट में हमारा जो सेकेंड पार्ट है ये, दैट इज फाइंडिंग मोर देन वन रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, एंड इस पे बेस्ड एग्जाम्पल क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फाइंड फाइव रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 and 3/5। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है हमारा 3 और यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर कितना है 5। इससे पहले मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, जो आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जो प्रीवियस हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है बेस्ड ऑन द प्रीवियस कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी में बहुत ही ईजी लेवल के क्वेश्चन हैं, सिर्फ सेम डिनोमिनेटर का क्वेश्चन डिस्कस किया है, मैं ये एडिशनल आपको करवा रहा हूँ क्योंकि पेपर में एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करना है और एक एडिशनल आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें पूछा गया है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है, एंड इफ इट इज़ अ रैशनल नंबर देन वी हैव टू जस्ट जस्टिफाई व्हाई इट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, बेसिकली मैं आपको आंसर भी बता दूंगा कि 0 को हम 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं और ये जो है हमारी P/Q एंड Q ≠ 0 ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इन दोनों ही कंडीशंस को ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा एक रैशनल नंबर होगा, बट इट इज़ एन एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन सो वी हैव टू राइट दिस इन वर्ड्स। CBSE, NCERT वॉन्ट्स यू टू एक्सप्लेन योर सेल्फ क्लियरली इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट, सो आपको वहाँ पर प्रॉपरली इस चीज़ को लिखना है और आप चाहें तो अपना आंसर जो है वो कॉमेंट सेक्शन में मेरे से चेक करवा सकते हैं। ठीक है, सो आई विल बी देयर, आई विल जस्ट लुक एट योर कॉमेंट्स लाइक वट योर आंसर्स यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द होमवर्क एंड नाउ लेट्स डिस्कस हमारा क्वेश्चन, दैट इज फाइंड फाइव रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 and 3/5। चलिए ओके, सो इसमें भी कुछ भी ऐसा डिफिकल्टी नहीं है, अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो स्ट्रैटेजी क्या है, एल्गोरिदम क्या है, यहाँ पर क्या पाथ हम फॉलो करने वाले हैं, इफ द डिनोमिनेटर इज डिफरेंट राइट देन वॉट वी विल डू, वी विल फर्स्ट मेक द डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, डिफरेंट को क्या बनाएंगे, डिफरेंट डिनोमिनेटर को हम क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे, और इसके लिए दो मेथड होती है। ठीक है, और दोनों ही मेथड में यहाँ पे आपको पहले बेसिकली डिस्कस करूंगा। पहली मेथड होती है हमारी, द फर्स्ट मेथड इज LCM मेथड। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड है, ठीक है, थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, बड़ी क्लासेस में क्यों हम ये फालतू LCM वगैरह के कॉन्सेप्ट पे जाएं। ठीक है, बट फिर भी डिस्कस करते हैं, सिंपल है। LCM मेथड में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर अगर हमें सेम बनाना है LCM मेथड से तो हम 3 और 5 यानी कि हमारे जो दो डिनोमिनेटर्स हैं उनका क्या निकाल लेंगे, LCM निकाल लेंगे। ठीक है, यानी इसमें हम क्या करते हैं, फाइंड द डिनोमिनेटर LCM ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है, तो यहाँ पर LCM फाइंड कर लेंगे, सो LCM कितना आ जाएगा, करने की भी नीड नहीं थी लेकिन देखिए फर्स्ट टाइम जब भी करें तो LCM 3, 5 ये स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, स्टूडेंट्स आप सीख लीजिए, नेक्स्ट ईयर बोर्ड क्लास है आपका, आपको आना चाहिए ये।
सो एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 3 and 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस विल बी इक्वल टू 3 into 5 दैट इज इक्वल टू 15. सो एलसीएम 3, 5 कितना आ गया हमारा 15 आ गया. और अब हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हमारे जो नंबर्स का न्यूमरेटर है उसको भी चेंज कर लेंगे. ठीक है, तो ये तो पहला मेथड हो गया. और दूसरा मेथड होता है आपका सिंपल, अगर मैं कहूं तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोल सकते हैं यहां पर हम इसको. ठीक है, और इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम कुछ भी नहीं करेंगे. हमारा ये फ्रैक्शन है 2/3, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. तो दिस विल बी 10/15, राइट. ठीक है, और इधर पे 3/5 है, तो इसमें फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. सो दिस विल गिव यू 9/15. और इस तरीके से हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया. स्टेप्स आपको लिखनी है, देखिए डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप लिख देंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2/3 बाय 5, और यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3/5 बाय 3. बेसिकली मेरा जो फेवरेट है वो सेकेंड वाला है. ठीक है, तो मैं उसी को फॉलो करूँगा. बाकी आपको दोनों ही मेथड मैंने बता दिए, इसके बाद जो दोनों का अप्रोच होता है वो सेम हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं. मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है सेकेंड वाली मेथड से बताऊँगा. सो यहाँ पर हम उसी चीज़ को रिपीट कर लेंगे यहाँ पर जल्दी से सॉल्यूशन. सो फर्स्ट वी विल मेक द डिनोमिनेटर सेम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. आप अपने नोट्स में से एम एंड डी भी लिख सकते हैं, बट ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2/3 बाय 5. एम फॉर मल्टीप्लाई एंड डी फॉर डिवाइड. ठीक है, सो दिस विल गिव यू 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5 बाय 5 एंड इट विल गिव यू 10/15, राइट. फिर इसके बाद सेकेंड पार्ट में आएंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3/5 बाय 3. सो दिस विल गिव यू 3/5 into 3/3 दैट इज 9/15. ठीक है, ओके. तो अब ये हो गए हमारे क्या डिनोमिनेटर्स सेम हो गए हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड फाइव रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर्स हैविंग सेम डिनोमिनेटर. अब यहाँ पर देखिए, पहले ये जो नंबर था ये हमारा अब क्या है 10 है और ये 9 है, तो आपको ये ऑलरेडी दिख रहा है कि ये वाला नंबर अब इससे ग्रेटर हो चुका है. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम इससे यहाँ तक जाएंगे. तो यहाँ पर अब आगे फिर से वही स्टेप रिपीट होगी. अब मैं आपको बता देता हूँ क्यों ये वाला पैटर्न मेरा फेवरेट है, क्योंकि सेम स्टेप दो बार लगनी है. यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया है, डिनोमिनेटर सेम हो गया. अब जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में अटेम्प्ट किया था सेम वैसे ही हम यहाँ पर फिर से अप्रोच लगाएंगे, दैट इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 10/15 बाय 10. तो ये कितना आ जाएगा 10/15 मल्टीप्लाइड बाय 10 बाय 10 एंड इट विल गिव यू 100/150. ठीक है, तो सेम अप्रोच सेकेंड टाइम लगाई, और फिर से एक बार यही अप्रोच लगाएंगे, फिर से लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हाउ मच 9/15 बाय 10. सो दिस विल गिव यू 9/15 into 10/10 दैट इज 90/150, राइट. अब इसके बीच में कितने हमारे पास रैशनल नंबर आएंगे, तो इसके बीच में हमारे पास में 9 आएंगे. However, we need only 10. So therefore, 5 rational number between. और क्या बोला था हमने, जो हमारा initial था हमको उसको लेके चलना है. So initial था हमारे पास में 2/3 and 3/5 will be. और answer में हमारा जाएगा 91/150, 92/150, 96/150, 98/150, 99/150. सी,
इन क्वेश्चंस में अगर आपका आपके फ्रेंड्स के साथ में आंसर मैच नहीं करता है, पीछे से आंसर मैच नहीं करता है, तो आपको बिल्कुल भी टेंस्ड होने की जरूरत नहीं है। इसमें हर बच्चे का अलग अलग आंसर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मल्टीप्लाइड बाई 10, अनदर स्टूडेंट एक्स माइट हैव मल्टीप्लाइड इट विद 100, राइट? किसी ने एलसीएम मेथड से किया होगा, किसी ने कुछ और किया होगा। आप इसमें आगे के भी मल्टीपल ले सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर 15 ले लेते, सो 15 थ्रीज़ा यहाँ पर हो जाता। कोई भी ऐसा नंबर आप ले सकते थे जिससे इनका मल्टीपल आगे सेम हो सकता था, तो आपका वो आंसर भी यहाँ पर मैच कर जाता। तो यहाँ पे सब बच्चों का अलग अलग आंसर आ सकता है, आपको उससे बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और इस पैटर्न पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए दे देता हूँ। अगर आपको डाउट रहेगा तो आप मुझे फिर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और मैं उसको नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस कर लूँगा जब चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन है, फाइंड 11 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 9/11। 9/11 है ना, तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया 11 रैशनल नंबर्स के लिए। और एक और क्वेश्चन आप ले लीजिए मुझसे होमवर्क में, दैट इज फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 6/7। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करेंगे और एनसीईआरटी का हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा इसके बाद में। और जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो हम लोग हमारे चैप्टर के एंड में एक सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस करेंगे।